माताओं भाइयों बहनों, मैं मोदी जी को उनके साथ संगठन का काम भी बहुत नजदीक से किया है। मोदी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, एक कर्मठ कार्यकर्ता है। संगठन का काम करते थे तब तो चुनाव की जिम्मेदारी लेते ही थे, मगर आज देश में कहीं पर भी चुनाव हो उस राज्य के कोई भी कार्यकर्ता से ज्यादा परिश्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। एक स्टेट्समैन जैसी छवि, हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और मैं जब ये कहता हूं तो कोरे शब्दों में कहना नहीं चाहता। कोरोना आया तब मोदी जी ने एक घोषणा की कि कल पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन करेगा, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अपील की, कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं। और 130 करोड़ के देश में रोड पर एक भी वाहन नहीं दिखता था मित्रों, कोई घर के बाहर। एक नेता की अपील पर 130 करोड़ की जनता अपने आप को घर के अंदर बंद कर दे, बूढ़ा, युवा, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्ची, सभी लोग। भाई मोदी जी ने कहा है कोरोना के सामने एकजुट होकर लड़ना है, हम घर के बाहर नहीं जाएंगे। ये बताता है कि ही इज टीम लीडर, पूरे देश के ही नेता है, भावुक राजनेता है। जब कोरोना के अंदर लोगों के कामकाज बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, गरीब लोग क्या खाएंगे सब सोचते रह गए, एक दिन सुबह अचानक ही उन्होंने योजना घोषित कर दी, हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। भारत सरकार हर गरीब के खाने की चिंता करेगी। मित्रों, ये विचार उसी को आ सकता है जिसने गरीबी का दुख झेला हो, गरीबी को जिया हो। एक निडर सेनापति, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे याद है जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ, हम सबको लगता है अब क्या हो सकता है, युद्ध हो जाएगा। वो कुछ बोलते नहीं थे, केरल की कार्यकारिणी थी, एक फोन नहीं लेना, एक चर्चा नहीं करना, एक मीटिंग नहीं। केरल में राष्ट्रीय परिषद थी, दीनदयाल जन्मशती की शुरुआत थी, कुछ नहीं, किसी के साथ मीटिंग नहीं, किसी के साथ फोन नहीं, एकाग्रता से कार्य समिति के अंदर वो हिस्सा ले रहे थे। और तीसरे ही दिन एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को हताहत कर अपने जवान वापस आए। एक निडर सेनापति की तरह फैसला करते हैं, मेरे देश के जवानों की जान गई है, आपको हिसाब चुकता करना पड़ेगा, यहीं पर करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। ये हिम्मत बहुत कम नेताओं में होती है सर। और एक उपभोग शून्य स्वामी, शिवाजी महाराज के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मैं कई लोगों के संपर्क में आया हूं, मैंने राजे रजवाड़े भी देखे, मेरा जीवन ही शुरू राजे रजवाड़ों के घर में हुआ है, मैंने नेता भी देखे हैं, मगर सरकार की संपत्ति का जीरो उपभोग करने वाला नरेंद्र मोदी जैसा नेता मैंने नहीं देखा। अपनी माता की मृत्यु के दिन भी 10:30 बजे संस्कार समाप्त होते हैं और 11 बजे ऑनलाइन बंगाल के कार्यक्रम में यह आदमी उपस्थित हो जाता है और क्षमा मांगता है, मेरे कारण आधा घंटा आपको कार्यक्रम लेट करना पड़ा। साहब, ये विचार जो है ना, ये विचार हम सब के लिए युगों युगों तक प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है। एक उपभोग शून्य स्वामी है, मैंने कभी इनके रिश्तेदारों को उनके घर पर नहीं देखा है। आज भी कई प्रकार के कई रिश्तेदार उनके इस प्रकार का काम करते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकता। जिसके परिवार का सदस्य
22 साल से सत्ता पर हो और परिवार की जरा भी चिंता नहीं की हो, ऐसा आदमी दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता है। और आज भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक दिन में 15 से 18 घंटे काम करने वाला आदमी हमने नहीं देखा है। इतना परिश्रम, इतनी लगन, और एक ही लगन कि मेरा भारत समग्र विश्व में सर्वप्रथम हो, ये लगन लेकर आगे निकले हैं। और मित्रों, तब जाकर ये देश 8 ही साल में इतनी बड़ी मजल काटकर आज यहां पर खड़ा है। ऐसा नेता मिलना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का हमें मौका।